अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगली खबर ये बिहार से आ रही है। बिहार के बक्सर जिले से जहां पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई, किसानों ने पुलिस पर पथराव किया। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसानों का आरोप है कि आधी रात को बिहार पुलिस ने घर में घुसकर अचानक लाठीचार्ज किया, घर में मौजूद महिला सदस्यों के साथ बदतमीजी भी की, जिसके बाद आज सुबह किसानों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। लाठीचार्ज से गुस्साए किसानों ने पुलिस की एक गाड़ी में भी आग लगा दी। गांव वालों ने एक थर्मल प्लांट पर हमला कर दिया, थर्मल प्लांट को भी आग लगाने की कोशिश की। किसानों के मुताबिक वो पिछले 2 महीने से उचित मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। हालात फिलहाल के लिए सामान्य है, किसानों को समझा बुझा लिया गया है, यही अपडेट है। काफी संख्या में लोग टूट गए हैं यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़ फोड़ किया है। तोड़ करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर, वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियाँ कितने दिनों कंट्रोल हो जानी चाहिए? हम लोग शीघ्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें बक्सर में जो हंगामा हुआ, पुलिस की गाड़ी पर पथराव और वहां पर मौजूद प्लांट पर पथराव, लाठीचार्ज पर किसानों का विरोध, किसानों का आरोप कि देर रात घरों में घुसकर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 2 महीने से यहां पर प्रदर्शन चल रहा है, उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, थर्मल प्लांट में भी पथराव कर तोड़फोड़ का आरोप है, यही बात पुलिस ने कही है। फिलहाल ये अपडेट है कि वहां स्थिति नियंत्रण में है। में गांव वालों ने थर्मल प्लांट पर किया हमला, पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले किया। मुआवजे की मांग पर लोगों ने गुस्सा जताया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कुरियर कंपनी में पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात, लाखों की लूट पाट करके बदमाश हुए फरार, पूरी घटना कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। ओडिशा के चांदीपुर में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च हुआ। मिसाइल ने अपने सभी मानकों पर खरा उतरते हुए टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्टन सेंटर में आज से ऑटो एक्सपो शो 2023 का आगाज। ऑटो एक्सपो में आम जनता को 13 जनवरी से मिलेगा प्रवेश। गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंचा, 13 जनवरी को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ये क्रूज 32 विदेशी मेहमानों को लेकर 52 दिन की यात्रा के लिए वाराणसी से निकलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण फ्लाइट का समय बदला, एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तर प्रदेश के आगरा में दिखा कोहरे का कहर, घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश के इटावा में हाईवे पर अधिकारियों की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा, चेकिंग के दौरान घने कोहरे के बीच कई गाड़ियां आपस में टकराईं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में घने कोहरे की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, हादसे में किसान की मौत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ठंड और कोहरे का कहर बढ़ता जा रहा है, लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना, ठंड से राहत पाने के लिए लोग आग जलाकर रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में जानवर भी ठंड से परेशान हो रहे हैं, ठंड से जानवरों को बचाने के लिए इटावा सफारी प्रशासन ने ब्लोअर का किया इंतजाम।